उधर मेघालय सरकार ने देश की पहली डिजिटल लॉटरी लॉन्च की है। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने दिल्ली में लॉटरी वेबसाइट को लॉन्च किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये देश की पहली डिजिटल लॉटरी है जो ऑनलाइन तरीके से काम करेगी। इसमें कोई भी फ्रॉड नहीं होगा। यूपीआई के माध्यम से केवाईसी होने के बाद ही इसमें हिस्सा ले सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मेघालय में इससे राजस्व बढ़ेगा। साथ ही कहा ऑनलाइन गेम में जीएसटी बढ़ने से सरकार का 5 गुना राजस्व भी बढ़ा है। बहुत सालों से जो हमारे लॉटरी हमारे देश में चल रहा है, जहाँ जहाँ अलाउड है, ये पेपर लॉटरी चल रहा था। तो ये पेपर लॉटरी को आज हम लोगों ने, मेघालय स्टेट ने, हम लोगों ने पहली बार पूरे देश में हम लोगों ने इसे आज ऑनलाइन सिस्टम में हम लोग लेके आए हैं। और ये सिंपल है क्योंकि आज टेक्नोलॉजी हर लेवल पर है, हर गेमिंग एरिया में आज ऑनलाइन हो रहा है, तो क्यों ना लॉटरी। तो हमारी सोच यही थी कि हम एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म जो सेफ हो, सिक्योर हो, ट्रांसपेरेंट हो और एक तरीके से एक ट्रस्ट लेवल हो, ये सब को सोच के हम लोगों ने आज ये पहला प्लेटफॉर्म हम लोगों ने इसको शुरू किया है। और मुझे विश्वास है और उम्मीद है कि क्योंकि जिस तरीके से हम लोगों ने एक टेक्नोलॉजी बेसिस पर इसमें ट्रांसपेरेंसी का फोकस हम लोगों ने बहुत ज़्यादा दिया है, मुझे विश्वास है कि आगे आने वाले समय में लोग इस पर रिलाई करेंगे, लोग इस पर एक तरह से विश्वास करेंगे।